तो सुने दोस्तों, आवाज़ कितनी क्रंची बनी है हमारी कचौरी, आप सुन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम बनाने वाले बहुत ही करारी और क्रिस्पी कचौरी। तो दोस्तों हो रही है बाहर बारिश और अंदर मिल जाए ऐसी करारी कचौरी तो मज़ा ही आ जाए, है ना दोस्तों? चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम लेयरदार कचौरी। तो यहाँ पर कचौरी बनाने के लिए हम ले लिए 5 से 6 आलू। तो आलू को हम अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं और चलते हैं इसको हम फ्राई करने के लिए। तो गैस पे हम चढ़ा रखे हैं कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम सरसों तेल 2 चम्मच। तो तेल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ। तो अगर है आपके पास तो सौंफ ज़रूर डालिए, सौंफ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों कचौरी का। अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई 5 से 6 कली लहसुन की। अब यहाँ पे हम डालेंगे बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्ची और यहाँ पे 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, और इसको भी हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे मटर, तो 1/2 कटोरी मटर लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम फ्रिज में रख दिए थे मटर को, तो अंकुरित हो गया है मटर। तब इसको हम डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, इसको भी हम 2 से 3 मिनट चला के भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर, और इसको भी हम चला के भून लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे आलू, तो आलू को भी हम डाल के 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे इसको भूनते हुए। तो आलू को हम ज़्यादा बारीक नहीं मैश किए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें गुठली है, तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगेगा, इसको ज़्यादा बारीक नहीं मैश करेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े इसमें गुठली है, तभी कचौड़ी का मज़ा आएगा खाने में। अब यहाँ पे हम ले लिए 100 ग्राम पनीर, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब यहाँ पे हम डाल दिए 1 चम्मच दरदरा किया हुआ साबुत धनिया, 2 चम्मच कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को भी हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो अगर आपके पास है कसूरी मेथी तो डालिए, नहीं है तो कोई नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसको भी हम भूनते हुए पका लेंगे। अब यहाँ पर हम डाल दिए 2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया, ले लीजिए मसाला यानी स्टफिंग बन के तैयार है। अब इसको साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ले लिए हम 2 कप मैदा यानी कि लगभग 200 ग्राम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी, तब इसको हम अच्छी तरीके से मिला के मसलते हुए अच्छी तरीके से मिला देंगे, घी और मैदा एक ही में मिल जाए। इतना इसको मसलते हुए अच्छा सा एक डो तैयार कर लिए हैं, देखिए। तो हम ऐसा ही डो लगाएंगे जैसे रोटी का डो लगाते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके का हमको तैयार करना है। ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, नहीं तो बेलने में फिर दिक्कत होगा। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पे। अब यहाँ पे हम ले लिए 1/2 कटोरी घी, लगभग 3 से 4 चम्मच बड़ा चम्मच घी लिए हैं। अब यहाँ पर लिए हैं कॉर्नफ्लावर, तो हम 2 से 3 चम्मच डाल देंगे। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम चावल का आटा। तो दोस्तों दोनों में से आपके पास कोई अगर ना हो तो आप क्या करें, मैदा से भी ये बैटर तैयार कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके का बनाना है बैटर, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला नहीं। अब यहाँ पर हम डाल दें 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। देख सकते हैं इसी तरीके का बैटर बनाना है। अब इधर आटा भी हम देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा मसल लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा भी बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है, तब इसका हम लोई बना लेते हैं, देखिए। तो इस तरीके का हम लोई बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज के ही लोई बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे लोई को भी तैयार कर लिए हैं। चलिए फटाफट बेल लेते हैं।
तो दोस्तों हमारे यहाँ तो बाहर बारिश हो रही है, झमझमाती हुई बारिश, और अंदर हम बना रहे हैं करारी करारी कचौरी। तो हमारे बच्चे तो बहुत परेशान है, कब बनेगी कचौरी। तो देखिए इस तरीके का रोटी बनाना है, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरीके का रोटी बना लेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों बारिश के मौसम में तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही है, कुछ चटपटा चीज़ खाएं। तो फटाफट इस तरीके का आप भी बनाइए और खाइए, इंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम सारे रोटी को बना लिए हैं, देखिए। तब इसमें से एक रोटी उठाएंगे, और इधर हम आटा को थोड़े से डस्ट कर लिए, यानी कि नीचे से हम थोड़ा थोड़ा आटा लगा लिए हैं, और एक रोटी रख ली है, उसके ऊपर हम बैटर जो तैयार किए थे उसको लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए चारों तरफ फैला लेंगे हाथ से, ये देखिए। अब इसके ऊपर एक और रोटी रखेंगे, अब इसके ऊपर भी हम ऐसे ही बैटर लगा देंगे। तो रोटी के ऊपर रोटी, रोटी के ऊपर रोटी रखते जाएंगे दोस्तों, और उसके ऊपर ऐसे ही बैटर हम लगाते जाएंगे। तो पांच रोटी हम रखेंगे, ये देखिए। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों हमको तो बनाने में, रोटी के ऊपर रोटी रखने में। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। जो लास्ट वाली रोटी है उसके ऊपर हम बैटर नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो हमने पांच रोटी रख दिए, इसके ऊपर हम आटा ही लगाएंगे इस तरीके से। देखिए दोनों तरफ हम आटा थोड़े थोड़े लगा लेंगे इसके ऊपर, और इसको हम बेल लेंगे, क्योंकि पांच रोटी एक पे रखे हैं तो फिर मोटा हो गया है, तो इसको हम बेल के पतला कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे दोस्तों। इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है, हमको तो बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है दोस्तों। पता नहीं कोई चीज़ हो, हमको कोई भी बोले बनाने के लिए फटाफट मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है दोस्तों खाना बनाना। तब देखिए मैं बेल ली हूँ, बेलने के बाद रोटी के ऊपर हम फिर से बटर लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ, और इसके ऊपर भी थोड़े थोड़े आटा को डस्ट करेंगे इस तरीके से लगा लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करते हैं, तो देखिए पतला ही फोल्ड करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हवा ना घुसे इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। देखिए चारों तरफ से ऐसे, तो ज़्यादा मोटा इसको नहीं फोल्ड, बीच में गैप ना रहे इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए दबाते हुए, ताकि बीच में गैप ना आए, नहीं तो हमारा लेयर अच्छा नहीं बनेगा कचौरी का। और साइड में हम पानी लगा देंगे, देखिए जो बचा हुआ हिस्सा है इधर सामने में, उसमें थोड़े थोड़े पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब इसको हम बड़ा बड़ा कर लेंगे रोल को, ऐसे हाथ से घुमाते हुए। तो देखिए दो हमने बना लिए रोल को, अब ऐसे घुमाते घुमाते इसको हम बड़ा कर लेंगे, क्योंकि फोल्ड करने से मोटा हो जाता है, तो इसको हम ऐसे हाथ से घुमाते हुए बड़ा कर लेंगे। ये देखिए पतला बना लेंगे इसको। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको हम निकाल के अलग रख देंगे साइड में, और इस तरीके का देखिए हमको काटना है पीस, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे पीस को कट कर लेंगे, जो साइड वाला बचा है उसको भी हम बनाएंगे कचौरी ही। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे रोल को पीसेस में कट कर लिए हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीस लग रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको अब बताते हैं क्या करना है। तो इसको हथेलियों पे ऐसे रखिए, और इस तरीके से आगे के तरफ दबाइए, देखिए इस तरीके रखिए और आगे ऐसे दबा दीजिए इस तरीके से। इसको दबाने से बहुत ही अच्छा लेयर बनेगा दोस्तों हमारे कचौरी का। ये देखिए इस तरीके से दबाते हुए सारे लोई को हमने दबा के रख दिए हैं, अब इसको हम बेलते हैं। तो देखिए, तो इसको आप चाहें तो बड़ा छोटा बना सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाइए, छोटा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करिए कि रोल को थोड़ा थोड़ा छोटा पीस में काट लीजिए, अगर आपको छोटा चाहिए तो, अगर बड़ा चाहिए तो थोड़ा बड़ा पीस काट लीजिए। अब यहाँ पे स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर, ये देखिए। तो दो चम्मच हम लिए हैं, ज़्यादा ओवर नहीं भरेंगे, नहीं तो फट के निकल जाएगा फिर रोटी से बाहर। तो देखिए इस तरीके से हम दबा देंगे पहले इसको। अब साइड में हम जगह छोड़ रखे हैं दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे, उसके बारी बारी
पानी लगा देंगे उसके साइड में इस तरीके से, ताकि जब हम रोटी रख के उसका मुंह बंद करें तो खुले ना। ये देखिए इस तरीके से हम साइड साइड में पानी लगा देंगे और दूसरा पूरी रख के इसके ऊपर ऐसे दबा देंगे हाथ से। देखिए इस तरीके से दबा देंगे ताकि हमारा जो कचौरी है तेल में जाके फटे ना। ये देखिए इस तरीके से इसका मुंह अच्छे से बंद करेंगे ताकि तेल में जाके खुले ना। ये देखिए एक कचौरी हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरा कचौरी भी ऐसे तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए भर के सारे कचौरी हम तैयार कर दिए हैं। अब इधर गैस पे तेल चढ़ा रखे थे, पहले से ही गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डालते हैं कचौरी। तो दोस्तों तेल को गर्म करके आप बिल्कुल लो कर लीजिए, क्योंकि हाई पे नहीं डालना है, लो पे ही डालेंगे तो अच्छा सा लेयर वाला कचौरी बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि जल्दी से जल जाएगा हमारा कचौरी और लेयर नहीं बनेगा। अब इसको थोड़ा से पकने के बाद ही हम पलटेंगे दोस्तों, तुरंत डालते के साथ नहीं पलटेंगे, नहीं तो क्या होगा कि फिर कचौरी टूटने का भी चांस रहता है। पलटते हुए इसको पका लिए हैं कचौरी को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर आया है दोस्तों, और बहुत ही क्रंची बनी है दोस्तों हमारी कचौरी। ये देखिए निकाल लेते हैं, हमारी कचौरी बन के रेडी है। तभी इसको रखते हैं नीचे। दोस्तों हमको तो देखकर ही लालच आ रही है, मन तो कर रहा है अभी खा ले, पर आप लोग का खिलाने के बाद ही खाएंगे दोस्तों, क्योंकि पहले फैमिली को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं ना। तो इसी तरीके से हम सारे कचौरी को बना के निकाल लेते हैं, चलते हैं सर्व कर रहे हैं। तो इधर लाल चटनी और हरी चटनी के साथ हम सर्व कर लिए हैं। दे लीजिए दोस्तों आपको खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है कचौरी। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेयर आया दोस्तों, ये देखिए आप सुन सकते हैं दोस्तों कितना क्रंची बना है। मुझे तो सुनकर ही इतना अच्छा लगता है, मन तो करता है सारे कचौरी को मैं ऐसे ही तोड़ते रहूं और सुनते रहूं इसकी आवाज़, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज की हमारी लेयर वाली कचौरी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस तरीके से प्यारा प्यारा कमेंट देते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़ के, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों। थैंक यू, बाय।